press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जबरदस्त वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लायक खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। मानती हूँ कि अभी राष्ट्र में हमारे भारत में 10 साल से इसको अनुमति दी गई और इसको एक अहम भूमिका के तरीके से देखा जा रहा है, पर ये तो बहुत पुराना है, 2700 BC का है। जब हम इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे, उसके बाद फिर प्रूव्ड अगर करेंगे तो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट वगैरह अगर देखेंगे तो 27 BC का है। अच्छा, मैं आपको योगा साधना के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 9 साल से योगा करती हूँ, 9 साल से। एवरीवन नोज वेरी वेल अबाउट मी कि मैं एक मदर हूँ और मेरा अभी 15 अप्रैल 2024 को मेरा बेटा 15 साल का हुआ, 15 इयर्स का। और मेरा जो वेट है वो मात्र 54 kg है और मेरी जो हाइट है वो 5'7" है। तो ये अच्छा, इतने बिजी शेड्यूल है मेरा, इतना हेक्टिक शेड्यूल है जिसमें जिम जाना, वर्कआउट करना, ये सारी चीजें मेरे लिए संभव बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक व्यक्ति अगर कैमरा के सामने सुबह के 10 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक कोर्ट में दिखाई दे रहा है और 3 से लेकर के रात के 1 बजे तक कैमरा पे दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली उसके पास ये वक्त नहीं है कि वो जिम जा रहा है। तो ये योगा ही है जिसने मुझे बहुत फिट रखा है, जिसने मेरे मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा रखा है, जिसने मेरी स्किन को बहुत अच्छा रखा है, जिसने मेरे माइंड में जब मुझे बहुत पीस की जरूरत होती है तो वो जो सुबह में 6 बजे से लेकर के 7:15 तक जो मेरी योगा टीचर आती हैं और वो जो योगा करवाती हैं, वो ही मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है बहुत ज्यादा। हालांकि हमारी कम्युनिटी में लोग ये कहते आए हैं कि योगा जो है वो हराम है, हमें नहीं करना चाहिए, और सूर्य आसन जो है वो बिल्कुल ही हराम है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पहली बार मक्का जो बना था, क्या वो अभी भी वैसा ही है? नहीं, चेंज हुआ, बहुत सारे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुए, उसके इंटीरियर चेंज हुए, उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। तो रिफॉर्मेशन जो होता है वो अपनी लाइफ में हमें टाइम टू टाइम लेकर के आना चाहिए, और जो चीजें बेटर होती हैं हम उसको अडेप्ट करते हैं और करना भी चाहिए। एक ईरा था, एक जमाना था जब हम लांडेन में और दिया में रहते थे। हमारे पूर्वजों को अगर पूछा जाए तो वो ये कहेंगे कि हम तो लांडेन जलाते थे। इवन मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिहार में हमारे एक बहुत मम्मी के बहुत दूर के रिलेटिव रहते थे शेखपुरा में, तो उनके यहाँ जब मैं शादी में गई थी, आई वॉज लाइक 5 to 6 years old, तो वहां लांटेन चलता था, लेकिन अब बिहार के कोने कोने में बिजली पहुंच चुकी है। तो लोगों ने बिजली लिया ना, ये तो नहीं कहा कि नहीं हमको लांटेन में ही रहना है, भैया हम तो लांटेन ही लेंगे, हम बिजली नहीं लेंगे तुमसे, है ना। पहले रेडियो में लोग सुनते थे गाना या कुछ भी न्यूज, लेकिन जैसे जैसे मोबाइल हो गया, फिर टीवी हो गया, फिर लैपटॉप हो गया, तो लोग उसमें उसको रिफॉर्म करने लगे। अब मैं आऊंगी, और भी ऐसे ही मैं बदनाम हूं कि मैं बहुत कड़ा बोलती हूँ, पर कड़ा ही बोलना पड़ता है। जो आयते अल कुरान की, जो सूरते अल कुरान की, जो वर्सेस अल कुरान के कभी पत्तों पे और कभी दीवारों पे लिखे थे, पहली बार 1931 पे उसको प्रिंट करवाया गया, प्रिंट करवा करके 1939 में, उसको प्रिंट करवाया गया। तो जरूरत हुई तो रिफॉर्मेशन को अडेप्ट किया गया, डेफिनेटली अडेप्ट किया गया। और हमने देखा है कि हम अपनी नानी के पास अगर चले जाएं, नानी के ईरा में चले जाएं, तो उनके घुटने का दर्द, उनके कमर का दर्द, उनके सिर का दर्द, उनके बैक का दर्द बच्चे पैदा करने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी होते थे उस वक्त, मेरी नानी को 5 बच्चे, तो वो सब चीजें बहुत तकलीफ दायक होती थी। लेकिन जब से मेरी हमने सीखा, हमने अपनी माँ को सिखाया, तो मेरी मम्मी को अभी आप देखोगे तो वो बिल्कुल यंग दिखती है।
बिल्कुल यंग दिखती है वो, कई लोग तो टोक देते हैं कि ये आपकी बड़ी बहन है, क्या? नहीं भाई, मेरी बड़ी बहन नहीं है, मेरी माँ है ये, और मुझसे भी 2 साल की बड़ी एक बहन है, तो ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बड़ी बहन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी धर्म से अपनी नफरत को जाहिर कर रहे हो, इट्स ऑल राइट, करते रहो, लगे रहो, लेकिन जो चीज आपके लिए फ्रूटफुल है, जो चीज आपके लिए प्रॉफिटेबल है, उसको तो अडेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं और भी चीजों को क्लियर करके यास्मीन बताना चाहती हूँ। जब कोई मस्जिद बनती है, कोई मजार बनता है, या ईद मिलाद उन नबी होता है, मिलाद जो होता है, लगे मजार जो है वो तो सिन है हमारे अलकुरान के हिसाब से, मजार परस्ती बिल्कुल गुना है, नहीं करनी चाहिए, पर हमारे भारत में धड़ल्ले से होता है। तो इन सब चीजों के लिए चंदा मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हिंदुओं से भी ये लोग ले लेते हैं, जिसको काफिर बोलते हैं उससे भी ले लेते हैं चंदा, मॉडर्न जजिया भी ले लेते हैं, फितरा जकात भी रमजान में हिंदुओं से भी उठा लेते हैं, आराम से उठाते हैं, धड़ल्ले से उठाते हैं। और इसके इसके सबूत मेरे पास है, अगर कोई कमेंट में ये लिखेगा कि ये झूठ बोल रही है, सो आई हैव प्रूफ, आप मुझे बोलना, वो टेक्स्ट करना, तो मैं आपको वो प्रूफ, वो स्लिप भेजा करूंगी कि किस किस हिंदुओं ने मेरी नजरों के सामने और मेरे माध्यम से भी, मैंने मौलानाओं को फितरा और जकात दिलवाया है कि बेचारा गरीब है, मैं तो दे रही हूँ, आप भी दे दो, आप अगर कुछ दे सकते हो तो दे दो। तो उन्होंने दिया है और उसने पर्ची काट करके दी है और उसने एक्सेप्ट किया है, जिसको काफिर बोलता है उसका पैसा एज अ फितरा और जकात एक्सेप्ट किया है। तो जब आप सारी चीजें जो आपके प्रॉफिट में आती है, जो आपकी लैविश लाइफ में आती है, जो आपकी लग्जेरियस लाइफ को और एनहांस करता है, तो मुसलमान उसका फायदा तो आराम से उठा लेते हैं। अब योगा पे आकर के इनकी सुई अटक जाती है। आज हमारे भारत का, हमारे भारत के सिविलाइजेशन का, सभ्यता का और संस्कृति का, हमारे ऋग्वेद की के स्क्वायर रूट को, जीरो को, न्यूमेरिकल नंबर को, हमारी चीजों को उठा उठा करके यूरोप ने एक्सेप्ट किया है, लंदन ने एक्सेप्ट किया है, अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है, सऊदी अरबिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे भारत के ऋग्वेदा से अर्थवेदा अगर निकाला जाए, तो ये सारे सारे जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में निकले थे, जीरो का आविष्कार किसने किया? हिंदुओं ने किया। तो ये सारी चीजें तो पूरी दुनिया यूज कर रही है, जो सनातन धर्म ने निकाला, जो हिंदुओं का क्रिएट किया हुआ है, जो हिंदुओं का इन्वेंट किया हुआ है। तो योगा पे आकर के सुई क्यों अटकती है? आज जितने मदरसे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेते हैं, आराम से लेते हैं। तो मनमोहन सिंह जी जब थे तो क्या वो मुसलमान थे? लेते हैं। राजीव गांधी जी थे तो क्या वो मुसलमान थे? भाई मुसलमान हमारे इस्लाम की नजर में तो राजीव गांधी भी काफिर थे, इंदिरा गांधी जी भी काफिर थी, उसके बाद फिर मनमोहन सिंह जी भी काफिर है, उसके बाद नेहरू जी भी काफिर रहे, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री मुसलमान तो नहीं बना। जो मुसलमान कम्युनिटी ये कह दे कि वो एक प्रधानमंत्री मुसलमान बना था और तभी हमने सारे फंड इकट्ठा कर लिए थे, उसके बाद हमने कोई फंड नहीं लिया, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पहले प्रधानमंत्री आए वो भी मुसलमान और इस्लाम के हिसाब से काफिर, और जो अभी है वो भी मुसलमान और इस्लाम के हिसाब से काफिर। तो जब उनके फंड आप ले सकते हो, उनका राशन आप ले सकते हो, उनका दिया हुआ आवाज योजना आप उसका लाभ उठा सकते हो, उनकी हिंदुओं के दिए हुए टैक्स की सब्सिडी आप उठा सकते हो, सारी चीजें आप लाभ उठा रहे हो, बस योगा की बात आती है तो नहीं, हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। कहां पर लिखा हुआ है योगा के बारे में, जरा मुझे कोई बताए तो, कि अल कुरान के कौन से वर्स में, कौन से पारा में, कौन से अरबा में, कौन से निस्क में, कौन से सलासा में, कहां पर लिखा हुआ है कि आपको योगा नहीं करना है? वो लिखा हुआ दिखा दो मुझे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज है कि कुरान में तो इकरा भी लिखा हुआ है, तो काहे तलित से पीछे हो एडुकेशन में? कुरान में तो जेंडर इक्वालिटी भी लिखा हुआ है, तो काहे के लिए औरतों को हिजाब में छुपा करके रखना चाहते हो, और औरतों को जन जर जमीन अंदर अंदर ढकी रहे, छुपी रहे, और खटाखट 1 लाख रुपए के लिए रोड पे नंगा खड़ा कर दिए हो? तो ये कुरान मानते कब है? अगर वाकई में मुसलमान कुरान मानते होते तो ना मजार परस्ती होती हमारे भारत में, और ना ही फिरका परस्ती होती हमारे भारत में, और ना ही मजार पे जाकर के अगरबत्ती का कोई छाई लगा रहा होता, और ना ही सूखा हुआ गुलाब का फूल खा रहा होता, और ना ही नुकुंदाना खा रहा होता, नहीं होता ये सारी चीजें, और ना ही चादर चढ़ा रहा होता। एज फॉर माई थिंकिंग, एज फॉर माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस,
मुझे ऐसा लगता है कि योगा एक बहुत खूबसूरत योग है जो आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करता है, जो आपके भीतर की आत्मा को बहुत रिलैक्स करता है, आपके दिन भर की थकावट से आपको एनर्जी बूस्टर देता है। और जब हमारी प्रथाओं से, हमारे सिविलाइजेशन से विदेशी मुल्क, अंग्रेज लोग जो ट्रेडमिल पे दौड़ते थे पहले, अब वो योगा कर रहे हैं, जो अरब अरब के शेख लोग जो कहते थे कि नमाज इज अ एक्सरसाइज, वो भी 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी योगा कर रहे हैं और पूरा योग दिवस मनाते हैं। यासमीन, मैं बहुत फ्रैंकली कहूंगी, आज मैंने सुबह में, मैं तो मेरी तो डेली रूटीन है 6 से 7 की योगा की, तो मैं सुबह में उठी, मेरी टीचर आई और मैंने योगा किया, और उन्होंने मुझे याद भी दिलाया कि नाजिया एक दो पिक्चर क्लिक कर लो क्योंकि तुमको पोस्ट करना होगा, यू आर सच अ रिनाउंड फेस, तो तुमको पोस्ट कर लेना चाहिए। और एवरी ईयर मैं उस ड्रेस में एक पिक्चर पोस्ट करती थी हमेशा। अगर 2023 में आप इसी डेट को जाकर के देखिएगा तो मेरी योगा की पिक्चर पोस्ट हुई हुई है, पर इस साल मैंने नहीं किया है क्योंकि जिस तरह के कोर्ट से निकलते वक्त कुछ तस्वीरें मेरी कोर्ट के ड्रेस में, पैंट और ट्राउजर में आई थी, और मेरे अगाड़ और पिछाड़ को जिस हिसाब से डिफेम और मलाइन कुछ मुसलमान मर्दों ने किया है, और जो मेरे साइज का नंबर बताया है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने योगा करते हुए की तस्वीर मैं नहीं डाल पाई अपने ट्विटर पे या अपने सोशल हैंडल पर। मैंने एक नॉर्मल तस्वीर जो मैंने 2023 में, मैं महाबलेश्वर गई थी और मैं और मेरी मदर पहाड़ पर योगा कर रहे थे, तो उठ करके मैंने हाथ फैलाया हुआ था, वो तस्वीर मैंने डाल दी कि ये बेटर है, और ये उस ड्रेस है पर इसमें बहुत बड़ा कुर्ता मैंने डाला हुआ है तो ये बेटर है। तो उन वो अभद्र भाषा से, वो गाली गलौज से, वो गंदी गंदी टिप्पणियों से डर करके मैंने अपने योगा के पिक्चर नहीं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा भारत के दो मुस्लिम बेटियां, एक तरफ यास्मीन हफीज जी, दूसरी ओर नाजिया लाई खान जी, ने बात की योगा के बारे में, और जैसे कि नाजिया खान जी ने कहा वो रेगुलर योगा करती हैं और योगा से उनको कितने फायदे हुए, पर दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि शांतिदूत उनके योगा करने पे काफी ज्यादा उनपे अटैक कर रहे हैं क्योंकि उन मजहब के ठेकेदारों के हिसाब से जो योगा है वो इस्लाम में हराम है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।